करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। दो बदमाशों को एनकाउंटर में गोली लगी है। 3 दिन पहले कलेक्शन एजेंट से 10 लाख की लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। 7,84,000 रुपए कार तमंचा इनके पास से बरामद हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो पूरा मामला है बीटा 2 थाना क्षेत्र का है। इन लोगों को कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के आने की सूचना थी। ये दकिया बाबा मंदिर के पास पीपल वाला चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे तो एक I-10 कार संदिग्ध रूप से आती हुई दिखी। इन लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसमें बैठे दो व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी को फायर कर दिया गया। पुलिस ने सुरक्षित तरीके से अपना बचाव करते हुए उनको पकड़ किया और उससे उन दोनों व्यक्तियों को पैर में गोली लगी है। 24 को थ्री गोल चक्कर के पास से जो लूट की घटना हुई थी उसके 7,84,600 रुपये बरामद हुए हैं तथा मौके पर इनके द्वारा प्रयुक्त एक पिस्टल 32 बोर, एक छोटा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा एक तमंचा 315 बोर बरामद हुआ है। इनको नियमानुसार उपचार के लिए भेजा गया है और जो लूट की घटना हुई थी उसके बारे में विवरण और अन्य विवरण कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा किया जाएगा। गाजियाबाद थाना लोनी पुलिस की गौकशों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जहां मुठभेड़ में शातिर गौकश को गोली लगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चोरी की मोटरसाइकिल तमंचा कारतूस इन बदमाशों के पास से बरामद हुई है। गौकश शरीफ पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में एक गौकश शरीफ नाम का गिरफ्तार किया गया है जिस पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति निठौरा से लोनी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब इसे रोकने के लिए संकेत दिया जाता है तो ये व्यक्ति रुकता नहीं, अपनी बाइक का मुड़ाकर भागने का प्रयास करता। पुलिस टीम द्वारा संदेह के आधार पर इसका पीछा किया जाता है तो ये व्यक्ति अपनी बाइक छोड़कर खेत की तरफ भागता है। तब पुलिस टीम पर लौटकर जानलेवा फायर किया जाता है। आत्मरक्षा जवाबी फायर किया जाता है जिसमें इस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगती है। पुलिस टीम द्वारा जब से पूछताछ किया जाता है तो इसने नाम शरीफ शनाप कल्लू निवासी बबलू गार्डन निठौरा रोड थाना लोनी क्षेत्र बताया। इस व्यक्ति के पास से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा खाली का खोखा बरामद हुआ है। इसके पास से एक वाहन भी बरामद हुआ है। इस व्यक्ति को उपचार हेतु CSC लोनी भेजा जा रहा है। इसके आपराधिक इतिहास थाने संबंध में जानकारी की जा रही है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में विजयनगर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को पुलिस की गोली लग गई। आपको बता दें कि वहीं जो दूसरा बदमाश था उसको भी पुलिस ने धर दबोच लिया है। बदमाशों ने मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हुआ, वहीं दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने धर दबोचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बदमाशों ने मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गाजियाबाद में विजयनगर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। प्रताप विहार का जो DPS चौराहे का क्षेत्र है वहाँ चेकिंग चल रही थी और दो यहाँ पर व्यक्ति स्प्लेंडर ब्लैक कलर की बाइक पर यहाँ देखे गए और उन्होंने अपना मुंह रुमाल से बांधा हुआ था और जब उन्हें वहाँ पर रुकने के लिए कहा गया तो रुकने के स्थान पर उन्होंने हिंडन बैराज की तरफ जाने वाला जो सर्विस लेन का रोड है उस पर गाड़ी को भगा दिया। उसके पश्चात जब पुलिस पार्टी उनको पकड़ने के आगे गई है तो वहाँ पर वो भागने का प्रयास किया है और उसी के साथ ही उनके पास तमंचा था, उसमें जो व्यक्ति पीछे बैठा हुआ था उसने जो है पुलिस के दल पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया है। अपने बचाव में पुलिस को भी यहाँ पर फायरिंग करनी पड़ी है और इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम नोनू है उसके पैर में गोली लगी है और दूसरा जो इसमें व्यक्ति जिसका नाम दीपक है उसे मौके से हिरासत में ले लिया गया है।